बरसाने की कोड़ा मार होली हो या ब्यावर की कोड़ा मार होली, होली के ये दो रंग पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। लगभग 150 साल पुरानी चीनगर समाज की प्रथा कोड़ा मार होली ब्यावर की इतनी मशहूर है कि देश विदेश के सैलानी यहाँ आते हैं और इसे देखते हैं। आइए हम आपको बताते हैं, ये भाभी यहाँ तैयार है जिन्होंने अपने कोड़े तैयार कर लिए हैं और थोड़ी देर में जब ठाकुर जी की सवारी यहाँ पहुंचेगी उसके बाद इस होली का कोड़ा मार होली का आयोजन किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं यहाँ समाज के लोगों से कि इसका क्या महत्व और कब से ये प्रथा चली आ रही है। कब से ये प्रथा चली आ रही है? 150 वर्ष से हमारे जिनगर समाज की ये प्रथा चली आ रही है। मंगल मार्केट के सामने और 9 कड़ाव यहाँ लगाए जाते हैं, सब में अलग अलग कलर भरा जाता है और कुछ ही समय में ठाकुर जी चांग गेट से यहाँ पे पधार रहे हैं और पहले ठाकुर जी को 9 कड़ाव के अंदर 9 कलर के अंदर उनको स्नान कराया जाएगा। उसके बाद में सारी समाज की महिलाएं और पुरुष देवर और भाभी पे कोड़े बरसाएगी और देवर डोली से भाभी के ऊपर कलर डालेगा और भाभी देवर के ऊपर कोड़े बरसाएगी। ये परंपरा हमारी 150 वर्ष से चली आ रही है। हमारे साथ मौजूद है भाभी है जिनगर समाज की, आई उनसे बात करते हैं कि इस होली का क्या महत्व और उन्होंने क्या तैयारी की है। आपका नाम? अंजू देवी। क्या तैयारी की गई है और कैसे इसका आयोजन किया जाता है? ये होली हमारी कई काफी वर्षों से पुरानी चली आ रही है। ये कोड़ा मार देवर भाभी की होली है और सभी भाभियों ने सूती कपड़े का कोड़ा बना के और ये सब देवरों के लिए तैयार किया है। और कोड़ा हमें दिखाएंगे आप? ये कपड़े का कोड़ा सभी भाभियों ने कॉटन के कपड़े से तैयार किया है और ये अभी जब देवर भाभियों पे कलर डालेंगे तब ये कोड़े बरसाएगी भाभियां उन पे। और ये प्यार भरी होली है जो पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं खेली गई है, जो वर्षों से सब खेलते हैं और इसको सब खेलेंगे अभी और अधिक उत्साह के साथ ये होली खेली जाएगी, देवर भाभी की कोड़ा मार होली।